हेलो गाइस यार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम मिले थे ओगी को और हमने खरीदी थी कुछ इंडियन कार्स। तो गाइस, ओगी तो कल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसका जो बड़ा भाई जैक है वो तो गैंग वालों ने किडनैप करके रखा है। और वो ओगी तो बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे भाई को कैसे भी छुड़वा दो, आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो फ़िलहाल मैंने ओगी को शोरूम पे छोड़ा है क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता था। यहाँ पे फैमिली के साथ मैं उसे रख भी नहीं सकता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा परेशान हो जाता। तो फ़िलहाल मैंने उसे शोरूम पे ही छोड़ा है। तो फ़िलहाल अभी फटाफट से चलते हैं हम अपने शोरूम पे और जाके ओगी का हाल चाल देखते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं, और आज का प्लान देखते हैं कि लेस्टर हमें क्या बताता है क्या नहीं। तो एक बार गाइज मैंने लेस्टर से भी बात कर ली थी, तो लेस्टर बोल रहा था कि तुम मेरे पास जैसे फ्री हो तो वैसे ही आ जाना, हम एक प्लान बनाएंगे कुछ कि जैक को कैसे छुड़वाएंगे गैंग वालों से। अगर थोड़े बहुत पैसे दे के मतलब बात ख़त्म होती हुई तो हम जैक को पैसे देकर ही छुड़वा लेंगे, नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, हम वेपन्स के थ्रू जैक को छुड़वा लेंगे, पर उसको छुड़वा ही लेंगे। तो अभी फ़िलहाल पहुँच चुका मैं शोरूम पे, जैक ओगी ऊपर पेंट हाउस में है। तो फिलहाल शोरूम खाली है, कुछ ही मतलब जल्द ही जाएंगे हम अपनी गाड़ियों की डिलीवरी लेने। तो अभी फटाफट से मैं ऊपर चलता हूँ क्योंकि ओगी देखते हैं ऊपर क्या कर रहा है। फिलहाल पेंट हाउस भी यहाँ पे खाली खाली पड़ा है क्योंकि शोरूम ही खाली है। तो ओगी तो यहाँ पे सो रखा है, इसे फिलहाल मैं एक बार उठा लेता हूँ। तो गाइज अभी ओगी तो उठ गया ही है, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये बोल रहा था कि पूरी रात मैं सोया नहीं था, तो काफ़ी लेट सोया था ये क्योंकि इसको उसके भाई की याद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो फिलहाल मैंने इससे बात कर ली है कि मैंने लेस्टर के साथ पूरी प्लानिंग करके रखी है कि तेरे भाई को कैसे छुड़ाना है। तो ये उसे सुन के थोड़ा बहुत खुश है। तो फिलहाल मैं इसे लेकर चलता हूँ, इसे कुछ खिला पिला देता हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे लेस्टर के पास। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं ओगी के साथ कार में बैठ चुका हूँ कि ओगी को थोड़ा बहुत बीच साइड लेके चलते हैं जब तक लेस्टर की कॉल नहीं आ जाती कि तुम लोग आ जाओ। तो फ़िलहाल मैं इसे लेकर चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ये चिल हो जाए और इसका मूड भी ठीक हो जाए। तो मैं एक बार बैनिक से भी बात कर लूँगा वहाँ पे कॉल पे कि हमारी जो हमने गाड़ियाँ कल बुक कराई थी तो उनका क्या बनेगा, हमें कब तक उनकी सारी डिलीवरी मिलेंगी। तो फिलहाल अभी फटाफट से मैं चलता हूँ बीच पे क्योंकि आज हमारे पास कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है। तो फिलहाल ओगी को भी चिल करवा देंगे वहाँ पे। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं कुछ अपने लिए कपड़े लेने आ गया हूँ क्योंकि मैं कोट पैंट पहन के तो वहाँ पे जा नहीं सकता। तो फ़िलहाल यहाँ से कुछ टी शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं, फिर वहाँ से टी शर्ट पहन के चलेंगे बीच की तरफ। तो ये आ गया हमारी क्लॉथ शॉप, तो फ़िलहाल यहाँ से कुछ कपड़े ले लेता हूँ पहन लेता हूँ। तो फ़िलहाल ये मैं आ गया हूँ अंदर, यहाँ पर भीड़ तो नहीं है तो फ़िलहाल हमें कपड़े काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ से मैं थोड़े बहुत सिलेक्ट, ये तो मेरे को पसंद नहीं आया यार, इसके ऊपर जैकेट्स या कुछ बनी हुई, तो ये इधर चेक कर लेता हूँ। ये तो जैकेट ही है सारी, मेरे को जैकेट नहीं चाहिए। तो टी शर्ट्स के कॉर्नर पे देख लेता हूँ, ये शर्ट मिल गई मेरे को, हाँ ये शर्ट सही है, इसमें से थोड़ी सी बीच वाली वाई वाली, ओ ये तो काफ़ी सही लग रही है। तो फ़िलहाल हमने इतने कपड़े ले ही लिया है तो थोड़े बहुत अपने लिए ग्लासेस भी ले ही लेते हैं, तो चश्मा पहन के एकदम से स्टाइलिश लगेंगे। तो ओगी तो चश्मा पहनेगा नहीं क्योंकि बिल्ले पहनते नहीं है चश्मा। तो फ़िलहाल मैं अपने लिए कुछ बढ़िया सा चश्मा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यही ठीक है, नहीं ये ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने ये कपड़ा ड्रेसअप वगैरह चेंज कर लिया है, तो ओगी भी अपना आ रहा है साथ में, ये भी अब थोड़ा बहुत मेरे को खुश लग रहा है क्योंकि इसे पता चल गया है कि ये ठीक बंदे के साथ है, किसी ख़राब बंदे के साथ नहीं है। क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत नाम भी चलता है लॉस सैंटोस में और ओगी ने हमारा शोरूम भी देख लिया है, पूरी रात इसने पेंट हाउस में स्पेंड करी, अब इसको हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। तो भी फ़िलहाल मैं चलता हूँ बीच साइड। तो गाइस अभी बीच जाते जाते हमारा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मेरे को लेस्टर का कॉल आ गया, तो वो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। तो फ़िलहाल हमने बीच जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि लेस्टर से मिलना अभी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घूमने जाने से। तो फ़िलहाल मैं फटाफट से चलता हूँ लेस्टर के घर पर। तो फ़िलहाल मैंने कपड़े भी नहीं चेंज करे, उन्हीं कपड़ों में जा रहा हूँ, पर कुछ नहीं, कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जैक को छुड़ा के लाना है किसी भी हालत में। तो ओगी भी अभी काफ़ी ज़्यादा नर्वस बैठा हुआ है, पता नहीं इसे एकदम से क्या हुआ, पहले खुश था। तो अभी फ़िलहाल से फटाफट से गाड़ी भगा लेता हूँ मैं लेस्टर के घर के लिए। तो अभी फ़िलहाल लेस्टर के घर पे पहुँचने वाला हूँ, यहीं के से उसके घर का कट है, तो ये रहा उसके घर की गली। तो फ़िलहाल से फटाफट से चलते हैं, ये पता नहीं कौन सी जगह पे इतना इसके पास पैसा है, पता नहीं घर कौन सी जगह पे ले रखा है। तो ये है इसका घर, सामने शायद से इसकी गाड़ी खड़ी हुई है। तो फ़िलहाल उतरता हूँ, एक तो हाई क्रॉस हमारी इतनी बढ़िया पूरी इसने गली घेर के रख ली है। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं यहाँ से। तो गाइज़ अभी ये दरवाज़ा तो यहाँ पे लॉक्ड है, शायद से वो हमें सीसीटीवी से देखेगा, तो सीसीटीवी में थोड़ा बहुत अपनी शक्ल दिखा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल गाइज़ मेरे को उसने बोल तो दिया है कि गेट अनलॉक कर दिया है मैंने, आ जा। तो ओगी भी हमारे साथ ही अंदर चलेगा क्योंकि ओगी को हम मसूनन छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि फिर से उठा लिया है।
तो ये लेस्टर पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाता हूँ जब तक ये फ्री होता है वहाँ से। तो गाइज अभी मेरे को लेस्टर ने कुछ प्लान एक्सप्लेन कराया कि हम पहले मैं और ओगी जाएंगे उन गैंग वालों के पास। ओगी को फ़िलहाल मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा के रखूँगा क्योंकि ओगी को बाहर नहीं लेके जाऊँगा। तो मैं उन गैंग वालों से बात करूँगा कि हमारे ओगी लौटा दे, उन्हें जितना पैसा चाहिए होगा हम दे देंगे, ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। अगर वो ज़्यादा पैसा मांगेंगे तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है कि हम शाम को जाके ओगी को क्यों, वहाँ से जैक को उठा के ले आएंगे उन टीम मेंबर से। तो ये प्लान थोड़ा बहुत अच्छा लगा। लेस्टर कह रहा है कि वेपन्स का जुगाड़ थोड़ा बहुत मैं कर दूंगा, जब तक तुम जाके उन गैंग वालों से थोड़ी बहुत बात करके आ जाओ, अगर वो मान रहे हैं तुम्हें और जैक को देने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, ओगी को मैं यहीं पर छोड़ जाता हूँ क्योंकि ओगी का वहाँ पर रिस्क होगा। तो फिलहाल ओगी को भी मैं यहीं रहने के लिए बोल देता हूँ। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैंने ओगी को यहीं पर छोड़ दिया है, तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ। वो मेरे को इसने बताया है कि बलास गैंग वाले बंदे हैं जिनके पास अभी जैक कब्ज़े में रखा है उन्होंने। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं बलास गैंग के अड्डे पे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेसर के घर के बिल्कुल पास ही है बलास गैंग वालों का अड्डा। सो गाइज अभी मैं उस गैंग के एरिया में पहुँच तो चुका ही हूँ, तो फ़िलहाल थोड़ी पीछे मैं यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि सामने वो गैंग का अड्डा वो सामने है। तो मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर डर लग रहा था तो फ़िलहाल मैं सामने नहीं गया, तो यहाँ पर रुक गया था। तो एक बार फ़िलहाल मैं इस घर वालों से बात करके देख लेता हूँ, अगर ये प्यार से समझते हुए कि मेरे को वो बॉस बता दे कि इनका बॉस कौन है। भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, पनिश्ड भाई, इसने तो धक्का मार दिया मेरे को, मैं फ़िलहाल लड़ना नहीं चाहता। तो गाइज़ ये तो अभी गुस्सा हो गया, तो मैं चलता हूँ। तो गाइज़ इसने अभी मेरे मुक्का मारा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो इसकी बैट के साथ पूरी खुलाई करूँगा। इसने मेरे साथ पंगा ले लिया, अभी ये नहीं बचेगा, चाहे इनकी पूरी गैंग अभी ही आ जाए मैं नहीं बख्शूंगा उन्हें। इन्होंने क्योंकि मेरे साथ पहले पंगा लिया तो अभी ये नहीं छोड़ने वाला हूँ मैंने। तो अभी इन सभी को तो मैंने निपटा दिया, तो फ़िलहाल चलते हैं इनके बॉस के पास। बॉस तो इनका अंदर होगा, फ़िलहाल मैं नहीं डरता, मेरे पास काफ़ी सारे वेपन है। अगर कुछ बॉस इनका कहता हुआ तो मैं वहीं पे उसकी मुंडी खोल दूंगा। तो फ़िलहाल फटाफट से बैठ जाओ तो मैं अपनी गाड़ी में। तो मेरे को उनसे कोई डर नहीं है, उनको मेरे से हालांकि डरना चाहिए क्योंकि आते ही मैंने उनके दो बंदे निपटा दिए हैं। तो भी एरिया तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सारे पार्क करके रखी हुई हैं। भाई साहब क्या ही मस्त यार, क्या ही एरिया है इनका यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से ये इनका बॉस बैठा हुआ है सामने, एक बार जाके मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो गाइज़ ये अभी मेरे को बता रहा है कि ये जो जैक है, इन्होंने ओगी और जैक को इसलिए किडनैप करा था क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा लोन लेके रखा था इन्होंने, और ओगी ने पैसे चुकाने में वो चुका नहीं सका क्योंकि उसका शो अभी इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है और पुराने मतलब एपिसोड उसके कुछ हद तक चल रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं चल रहे। तो वो कह रहा है कि सभी तो यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए, इन्हें कोई देख नहीं रहा, तो इन कारण ये पैसे भी नहीं कमा पा रहे। इन्होंने लोन लिया था तो इन्होंने वो भी रिटर्न नहीं करा। तो अभी फ़िलहाल मेरे को तरस आ रहा है, अगर मैंने एक बार इससे लोन का पूछ लिया तो इनका कितना लोन, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो मैं ही पे कर दूंगा। तो गाइज़ ये तो मान ही नहीं रहा, बोल रहा है कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, अभी मेरे को $2 मिलियन चाहिए तभी इस बिल्ले को छोड़ूंगा। पर गाइज़ मेरे पास तो इतना अभी कैश तो नहीं है, अगर ये कम पैसों में मान जाता तो ठीक है, पर अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो अभी फ़िलहाल लेस्टर के पास चलता हूँ, मैंने लोकेशन की भी एक दो दूर से फ़ोटोज़ खींच ली थी, तो लेस्टर को ये दिखा देंगे तो लेस्टर कुछ प्लान बनाएगा हमारे साथ कि इसका क्या करना है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं जैक के साथ कुछ नहीं कर सकता, एक बार इससे पूछ लेता हूँ। गाइज़ ये तो अभी बोलने से भी डर रहा है, ये कह रहा है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पीटा इन्होंने कल, तो गाइज़ इस पर काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा है मेरे को। होगी तो जैसे तैसे भाग गया यहाँ से, पर भाई ओगी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका भाई तो यहीं पे बंद रखा है। तो भी मेरे को तरस आ रहा है, तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ लेस्टर के पास और देखते हैं लेस्टर क्या करता है क्या नहीं। काश लेस्टर हमें कोई बढ़िया सा प्लान बता दे ताकि हम जैक को आसानी से छुड़ा पाएँ। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ लेस्टर के घर पे। तो ये रहा सामने लेस्टर का घर, तो यही कट पे लेस्टर का घर था, तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। ये सामने वाला ये लेस्टर का घर, मेरे को तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है कि हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, कि हम जैक को कैसे छुड़ाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे इतने गैंगस्टर लिंक्स भी नहीं है, तो हमें जो भी करना होगा खुद करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी या तो फ्रैंकलिन हेल्प कर देगा या तो ट्रेवर हेल्प कर देगा, या पर या ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ये खड़ा है लेस्टर, पीछे बैठा है ओगी। तो फ़िलहाल मैं लेस्टर से बात कर लेता हूँ कि हमारा क्या क्या प्लान बनाया है आगे और क्या क्या करना है। तो गाइस अभी मेरी फ़िलहाल लेस्टर से बात हो गई है, ये कह रहा है कि हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना होगा हमें
तो फिलहाल हमें ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ा ही स्टेप लेना होगा, क्योंकि जो बलास गैंग है वो सिर्फ उतनी ही गैंग नहीं थी जितनी हम देख के आए हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है बलास गैंग। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। लेस्टर ने मेरे को बोला है कि हम मिलिट्री टैंक में कुछ, मतलब जो मिलिट्री एरिया है वहाँ पर कुछ नए टैंक्स खरीदे हैं उन्होंने, तो बड़े बड़े टैंक्स उन्होंने खरीदे हैं। तो ये कह रहा है कि हो सके तो उन्हें चुरा के देख लो, अगर मैं उन्हें चुराऊंगा तो मिलिट्री टैंक से फिर हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी बलास गैंग को ख़त्म करने के लिए। ये कह रहा है कि वहाँ पे जो टैंक्स आए हैं वो एक ही बार में, मतलब बहुत बढ़िया टैंक्स है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टैंक है और वो अनब्लास्टेबल है, ब्लास्ट भी नहीं होते। तो पुलिस वालों का और मतलब बलास गैंग का हम वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं सीधा सीधा पुलिस कंप्लेंट करवाने जाऊँगा तो वो जो जैक है वो इंसान तो नहीं है, वो तो एक खैर एनिमल है, तो वो यहाँ पे कंप्लेंट भी उसकी फाइल नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो भी करना होगा मुझे खुद ही करना होगा। तो अभी लेस्टर ने मेरे को बोला है कि एम्यूनेशन जाके थोड़ी बहुत गन्स ख़रीद के ले आओ, गन्स के हम रॉकेट लॉन्चर और स्टिकी बॉम्ब्स वगैरह ख़रीद के ले आएंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट वाले एपिसोड में जाना है मिलिट्री बेस, वहाँ से हमें कोई बढ़िया सा मतलब जो टैंक आया है नया वो चुरा के लाना है, वो भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो फिलहाल मैं फटाफट से चलता हूँ एम्यूनेशन की शॉप पे और ख़रीद के ले आता हूँ कुछ अपने लिए नए वेपन्स। तो अभी गाइज फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ एम्यूनेशन की शॉप पे। जितना मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा था, क्योंकि हमने गाड़ियाँ भी काफ़ी ख़रीदी थी, ज़्यादा पैसा मेरे पास बचा नहीं होगा, तो यहाँ से हम कुछ मतलब ग्रेनेड्स वगैरह ख़रीद लेंगे, कुछ रॉकेट लॉन्चर भी ख़रीद लेंगे, ताकि हमारी वहाँ नेक्स्ट वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए, क्योंकि मिलिट्री भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर जो बालास गैंग है वो तो मिलिट्री से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल मैं अंदर जाके कुछ अपने मतलब ख़रीद लेता हूँ यहाँ पे जो वेपन्स चाहिए मेरे को। तो अभी गाइज मैंने यहाँ पे ग्रेनेड वगैरह तो ख़रीद लिए हैं, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से आर्मर भी लेता चलूँ। तो ये मैं लाइट नहीं, मेरे को लाइट आर्मर नहीं चाहिए, मेरे को ये स्टैंडर्ड आर्मर भी बढ़िया है, और ये हैवी आर्मर, ये सुपर हैवी आर्मर भी मैंने ख़रीद लिया है, इससे भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और लेस्टर कह रहा है कि मैं अपने, लेस्टर की एक सीक्रेट मतलब वो भी है कंपनी कपड़ों वाली, तो लेस्टर कह रहा है कि तुम्हारे लिए मतलब मैं स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट बनवा दूंगा, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, जितनी चाहे जितनी मर्ज़ी बुलेट फायर हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी में बैठ के फिर से चलता हूँ लेस्टर के पास, क्योंकि जो हमने वेपन्स ख़रीदे हैं वो लेस्टर को दे के भी आने हैं। तो गाइज़ अभी हमारे पास पैसों का जुगाड़ करने के लिए हमारे पास पैसे तो बिल्कुल ना के बराबर ही, अगर हम आज भी अपनी शोरूम की गाड़ियाँ बेचने बैठ जाएंगे तो हमारे पास उतना कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी तगड़ी कर रखी है, $8 लाख का तो मैंने शोरूम ही ख़रीदा है। तो अगर हमें वो सारा मतलब करना पड़ेगा, क्लियर करेंगे तो हमें शोरूम फ्री करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं लेस्टर से बात करूँगा, क्योंकि लेस्टर तो मास्टर माइंड है, वो हमें कुछ दो तीन सीक्रेट प्लान बता देगा जिससे हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, चाहे वो काम दो नंबर के ही हो, पर फ़िलहाल हमें GTA की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अमीर बना देंगे। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं लेस्टर के घर के पास बस जस्ट पहुँच ही गए, ये गली मतलब ऊपर चढ़ के लेस्टर का घर है, फिर से मैं कहूँगा कि इसने पहाड़ी पर घर बना के रखा है। तो ये रहा इसका घर। तो हमारी हाई क्रॉस पार्क करने से इसकी सारी सड़क कवर हो जा रही है। तो अगर लेस्टर हमारी पैसा कमाने में हेल्प कर देता है, इलीगल पैसा कमाने में हमारी हेल्प कर देता है, तो हम इसे भी कुछ नई चीज़ें गिफ्ट करेंगे। तो ये लेस्टर यहीं पे खड़ा हुआ है, मैं इसे वेपन्स पकड़ा देता हूँ। तो गाइज लेस्टर भी अंदर वेपन रखने चला गया है, और ये कह रहा है कि ऑगी को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ऑगी यहाँ पर बैठा बस रोए ही जा रहा है जब से इसको पता चला कि इसका भाई के वहाँ पर क्या हाल है। तो फ़िलहाल मैं लेस्टर को क्यों मतलब ऑगी को अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये लेस्टर के साथ रहेगा तो लेस्टर थोड़ा सा बोरिंग है, तो हम भी इससे मतलब अपने पीछे छुड़ाने के लिए करते हैं। तो फिलहाल ऑगी भी बाहर आ गया, इसे बिठा लेता हूँ मैं अपनी हाई क्रॉस पे। तो गाइज़ ये अभी भी मैंने इसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया, क्योंकि ये जब से रोए ही जा रहा था कि इसके भाई का क्या होगा, प्लीज़ उसे ज़िंदा बचा लेना। पर ये मैं इसे कह रहा हूँ कि ये एक बहुत मतलब बढ़िया बंदे के साथ है, मैं इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं ज़रूर उसे ऑगी की हेल्प करूँगा जैक को बचाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं इसे ऑगी को छोड़ देता हूँ अपने शोरूम के पेंट हाउस पर, ताकि ये वहाँ पर आराम कर ले, और मैं शाम को इससे मिलने भी दोबारा इसे मिलने आऊँगा। तो अभी गाइज मैं शोरूम के पास पहुँचने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ ओगी को मैं यहीं पेंट हाउस पे छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी हमारा ये शोरूम नया नया है, यहाँ पे कोई इतना आता जाता नहीं है। अगर मैं इसे अपने घर पे भी लेके जाऊँगा, वो भी हमारा जो घर है एकदम से सिटी सेंटर में है, अगर वहाँ पर किसी ने मतलब गैंग के बंदे ने या किसी और ने ओगी को देख लिया तो हमारे लिए पंगा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ओगी वहाँ से इलीगल तरीके से भाग के आया उन गैंग वालों से। तो फ़िलहाल मैं फटाफट से इसे अपने पेंट हाउस में ऊपर छुपा देता हूँ।
तो अभी गाइज मेरे को गाड़ियों वाले का भी फ़ोन आ गया है कि आपकी गाड़ियाँ रेडी है तो आप उन्हें आकर ले जाओ। तो मैंने बोला कि थोड़े ही दिनों में मैं उनकी डिलीवरी लेने भी ज़रूर से आऊँगा। तो इतने में मैं उनसे बात करा था, ओगी ऊपर चला गया है। तो मेरे को अभी ओगी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो अकेला पड़ गया है, ना ही यहाँ पर कॉकरोचेज़ आए हैं इसके साथ, और जो इसका भैया था जिसे घर से चुरा के लाए हैं ये दोनों, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पंगा है। मतलब ओगी तो अभी यहाँ पे भी रो रहा है, तो इसे मैं चुप करा देता हूँ। तो गाइज़ अभी मैंने ओगी को चुप करा दिया और मैंने इससे बात कर ली है कि यहाँ से मतलब बाहर ना जाए, यहाँ से बालकनी से भी बाहर ना देखे, क्योंकि अगर इसे किसी ने देख लिया तो यहाँ पे पंगा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ओगी को तो कोई जानता ही नहीं, पर यहाँ अगर उड़ती उड़ती खबर बालास गैंग के पास पहुँच गई कि मतलब ओगी यहाँ पर छुपा रखा है, यहाँ पर छुपा रखा है, तो ओगी को भी चुरा लेंगे और जैक भी हमें वापस नहीं करेंगे और इन दोनों को मार डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं फटाफट से चलता हूँ अपनी हाई क्रॉस के पास और मैं बैनी को भी कॉल कर देता हूँ कि ट्रक वगैरह सारे रेडी रखें क्योंकि हम जल्द ही जाएंगे गाड़ियों की डिलीवरी लेने। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम मिलिट्री का टैंक चुराएंगे। नेक्स्ट वीडियो आने तक बने रहना इसी चैनल पर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।